खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब अगली अहम खबर का रुख करते हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की मदद से देर रात काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में दो कर्मचारियों की मौत हो गई है जबकि एक अब भी लापता है। मुंबई से हमारे संवाददाता वेदांत नेप की रिपोर्ट देखिए। मुंबई आसलपा खैरानी रोड पर कल शाम 5:30 बजे केमिकल गोडाउन को आग लगी और ये आग बढ़ती गई और आप देख सकते हैं कि 30 से 35 ये गोडाउन है ये जलकर अब खाक हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जब आग ये केमिकल गोडाउन को लगी थी तब ये आग बढ़ती गई क्योंकि जो आजू बाजू के जो गोडाउन है उसमें भी केमिकल गोडाउन थे, स्क्रैप मटेरियल था, इस कारण ये आग बढ़ती गई। और कल रात 11:30 बजे इस आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की 10 फायर इंजन और 8 वाटर टैंकर यहां पर मौजूद थे और रात भर ये जो फायर ब्रिगेड का जो ऑपरेशन था वो शुरू था, लेकिन इस आग में आप देख सकते तो रात 2 बजे दो जनों का यहां पर मृत्यु हो गया। इसमें एक महिला और एक पुरुष कर्मचारी थे जो इस गोडाउन में काम करते थे ऐसा कहा जा रहा है और एक मिसिंग होने की भी संभावना है जिसका ऑपरेशन अभी भी फायर ब्रिगेड के जवान जो है वो कर रहे हैं।